वो वहाँ पर आदिवासी लड़कियों की जमीन कब्जाने में, उनके शरीर के अंग बेचने में, वहाँ बम विस्फोट करने में, और अभी पटना में निशार अहमद नाम के एक मुस्लिम दरोगा ने ही सारा खुलासा किया पटना का मॉड्यूल का। बजाय बड़े उद्योगपतियों को हजारों करोड़ दे देते वो भाग जाते, जैसे पिछली सरकारों ने गलती की है। PFI बम फोड़ेगा तो पता थोड़ी कि मुसलमान नहीं मरेगा उसमें। पर आप लोगों थोड़ा जल्दी में बस धन्यवाद। शिवलिंग तोड़े गए थे काफी। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। आज जिस मुद्दे को लेकर यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है वो PFI है। जिस तरीके से लगातार PFI पर बैन के लिए बोला जा रहा है और लगातार बैन लगाया भी जा रहा है और भी संगठन जो निकल के आ रहे हैं और बताया जा रहा है, तो उसी सब मुद्दे को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो सबसे पहले सर, आपका नाम क्या है बताइए? अरुण उपाध्याय, हिंदू स्ट्रगल कमेटी। अच्छा, तो आप मतलब ये PFI जो है बैन हो रहा है, ये मतलब सही है? हाँ, PFI पे सरकार ने बड़ी ज़ोरदार कार्रवाई की है, क्योंकि PFI एक हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन था और जैसे पॉलिटिकल पार्टियाँ कोलेशन करती है, इन्होंने ऐसे एंटी इंडियन इस्टेब्लिशमेंट बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग स्टेट में थे उन सबसे कोलेशन किया। तो PFI पे सरकार ने जो कार्रवाई की है वो बहुत ज़ोरदार कार्रवाई की है, लेकिन PFI के जो गठबंधन के और साथी हैं जो दलित आंदोलन के नाम पे काम कर रहे, ऐसी कुछ पॉलिटिकल पार्टियाँ, अभी आपने तमिलनाडु में देखा कि दलितों के नाम पे काम करने वाली एक पॉलिटिकल पार्टी ने RSS समर्थक, BJP समर्थक या PFI पे बैन के पर स्वागत करने वालों पर पेट्रोल बम फेंके, और तमिलनाडु पुलिस भी 3 दिन में हरकत में आई। तो मैं सरकार से अपील करूँगा कि उन पर कार्रवाई भी की जाए, और ख़ासतौर पर निर्वाचन आयोग को भी जल्द से जल्द, क्योंकि निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संगठन है, ऑटोनोमस संगठन है भारत का चुनाव आयोग, उसको भी जल्द से जल्द SDPI को बैन करना चाहिए। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि PFI बैन होना चाहिए, PFI बैन हो भी रहा है, उस पर बैन लगाया, मगर RSS भी तो ऐसी तरीके की जो है संगठन है, और उस पर भी लगातार इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए? देखिए, कुछ लोग निहित राजनीतिक स्वार्थ के लिए विपक्ष को विरोध करना चाहिए, सत्ता पक्ष का, लेकिन विरोध रचनात्मक होना चाहिए, केवल विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। लालू जी है या बहुत सारे लोग हैं, उन्हें सच्चाई और हकीकत पता है, वो सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए, वो विरोध के लिए, सत्ता पक्ष के विरोध में कोई बात कहनी है तो वो अनजाने जाने में जानबूझकर ऐसे तत्वों का साथ दे रहे जिन्होंने देश के खिलाफ युद्ध छेड़ा है। केरल सरकार ने केरल हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया कि PFI कोई नया संगठन नहीं है, PFI बहुत पुराना संगठन है, सिमी का ही रूपांतरण PFI है। PFI के खिलाफ एक ट्रक भर के, दो ट्रक भर के सबूत है कि उन्होंने देश के खिलाफ युद्ध छेड़ा। सबूत मिले हैं? सबूत तो अभी साबित ही नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट साबित नहीं कर पाया है। आप मुझे लग रहा है कि आप ये अज्ञानतावत सवाल कर रहे हैं। NIA सबूत मिले ही कहाँ है अभी? आप पूरी बात सुन लीजिए मैम ना, आप अज्ञानतावत इसलिए सवाल कर रहे हैं क्योंकि NIA की अपनी कोर्ट होती है, ठीक है। ED ने उन्हें कार्रवाई की है और ED ने उनका पूरा तंत्र तोड़ा है। उसके बाद उन्होंने फेसबुक पे भी लिखा कि हम ऑर्गेनाइजेशन डिसॉल्व करते हैं, उसके बाद उन सब पर भी UAPA के तहत कार्रवाई हुई है सबूत मिलने के बाद ही, और उसके बाद न केवल संगठन बल्कि व्यक्तियों पर बैन। क्या कराया जा रहा था, क्या सबूत मिले हैं, मैं ये पूछ रही हूँ। नहीं, आप मीडिया ही सबूत बता रही है, मीडिया कोर्ट थोड़ी हो गई है सर। फिर आप अजीब बात करें, आपको एक टेक्निकल जानकारी रहनी चाहिए कि केरल, सबसे पहले झारखंड सरकार ने PFI पर बैन लगाया। जब बैन लगता है, जब उसकी लोकस स्टैंडी होती है कानूनी रूप से, तब बैन लगता है, ऐसे ही उठा के किसी को बैन नहीं कर सकते। किस तरीके के सबूत मिले हैं? PFI की जो झारखंड यूनिट थी वो वहाँ पर आदिवासी लड़कियों की जमीन कब्जाने में, उनके शरीर के अंग बेचने में, वहाँ बम विस्फोट करने में, और अभी पटना में निशार अहमद नाम के एक मुस्लिम दरोगा ने ही सारा खुलासा किया पटना का मॉड्यूल का। उस जो पटना मॉड्यूल चला रहे थे उनके पास एक दस्तावेज साफ साफ मिला है कि वो इस देश को इस्लामिक राष्ट्र 2047 तक बनाना चाहते हैं। उसके अलावा उन्होंने कराटे की आड़ में, योगा क्लब की आड़ में हथियारों का ट्रेनिंग देने के प्रशिक्षण पूरे देश में जगह जगह खोले हुए थे। ये तो RSS भी सिखा रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं वहाँ तलवार चाकू तवलचे लेकर। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर RSS के खिलाफ कोई लोकस स्टैंडी है ऐसी, तो सरकार को इसके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आप RSS और PFI की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि RSS एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है, जबकि PFI ने देश के खिलाफ युद्ध छेड़ा है। राजनीति तो RSS, हाँ राजनीति भी है ना, मतलब उनके खिलाफ कोई ऐसे सबूत मिले तो उसको भी लोकस स्टैंडी में बंद करना चाहिए, और किसी के खिलाफ मिले ऐसे सबूत मिले तो उसको बंद करना चाहिए। लेकिन PFI बहुत बार मिले हैं लेकिन छूट जा रहे हैं, क्योंकि संरक्षण प्राप्त है और सारा पूरा संगठन है। आप फिर ऐसा नहीं कह सकते, देखो
आप पहले बोला जा रहा है, बताया भी जा रहा है, आप मामले की गंभीरता कम करें। कोई भी राजनीतिक रूप से विरोधी किसी भी तरह का स्टेटमेंट देने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन आप ये बताइए पीएफआई पे ही कार्रवाई क्यों हुई, एसडीपीआई पे अभी बची हुई ना कार्रवाई, या पीएफआई के बहुत सारे राष्ट्र बन रहा है ना सर, फिर अजीब बात करें, ये भी एक काल्पनिक बात है, ये भी एक गल्प है। अब ये देश राष्ट्र नहीं बन रहा है, फिर अजीब आप बताओ ना कहाँ संविधान सभा बैठी है राष्ट्र बनाने के लिए, पूरा तत्पर है हमारे संविधान को आरएसएस मान कर रहा है सर। नहीं सर, आप आरएसएस कौन, आप मैं मेरा आपसे सवाल है, भारत की सरकार संविधान से चलती है, अब उसमें कोई कह रहा है कि गैर संवैधानिक बात कह रहा है, चाहे वो हिंदू फ्रिंज एलिमेंट हो, चाहे वो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो ईसाई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, जो हिंसा की बात कर रहा है, जो भारत के संविधान के मूल रूप से खिलाफ बात कर रहा है, वो गलत बात कर रहा है, उसको भारत का संविधान नहीं मानेगा। अगर कोई भी व्यक्ति चाहे वो किस सत्ता पक्ष से जुड़ा है, राजनीति से जुड़ा है, इस तरह की बात करता है तो वो कानूनन दंडनीय है, तो उसमें कहां शक है। संविधान को तो मान ही नहीं रहा, कह रहे हैं मनुस्मृति लाई जाएगी, मनुस्मृति लागू की जाएगी। नहीं फिर आप मजाक कर रहे हो भाई, संविधान इसका मैं मजाक कर रहा हूं। हाँ इसलिए मजाक कर रहे हो ना कि भारत का संविधान लागू है। हाँ। आप कैसे कह सकते हो, मतलब कोई ऐसे अगर कोई कार्रवाई ऐसी बात कर रहा है वो कानून के तहत दंड, आप उनके खिलाफ शिकायत कीजिए ना। यहाँ पे कितना यहाँ पे जो भी है, अच्छा देखिए गरबा खेलने के लिए अहमदाबाद में गरबा खेलने के लिए अगर मुस्लिम दो युवक चले गए तो वहाँ पर कार्रवाई पुलिस नहीं करती है, वीएचपी और बजरंग दल करता है। मैं आपसे एक बात पूछना है, अभी दलित युवक की हत्या हुई है मनीष की, और मनीष की हत्या उन्होंने टारगेट करके की है, उसके बावजूद भी आप उसको क्या संप्रदाय के एंगल देंगे। अच्छा सर वो जो मतलब उसकी हत्या हुई है ना साफ तौर पे, और उसके वो एक दलित युवक था, उसकी हत्या हुई है, तो उसके बाद भी आप क्या कहेंगे कि मुसलमानों ने उसकी संप्रदाय के एंगल से हत्या की है, उनका निजी विवाद था या संप्रदाय का भी तो आया है सामने, तो बीजेपी का हाथ आया है। नहीं नहीं आप ये मानिए उन पर कार्रवाई नहीं हुई क्या, पब्लिक ने भी अभी तो वहाँ सबूत मिटाने की पूरी होती है कि उनको मालाएं पहनाकर उनका हाँ। स्वागत किया, कहाँ किया गया अंकिता मंडल, बिल्किस बानो का, जब बिल्किस बानो का हुआ। नहीं नहीं आप मुद्दा मत सुनो, नहीं नहीं पब्लिक ने उन्हें मारा है, पुलिस ने उन पे कार्रवाई की है, उनका रिजोर्ट भी आंवला कैंडी बीजेपी ने भी उन्हें निकाला है, सीएम ने कहा है कि इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तो उसमें आप ऐसा नहीं कह सकते कि उनके कोई स्वागत हुआ है। सस्पेंड कर देना और निकाल देना ही ये कार्रवाई है, अजीब बात है, उन पे बकायदा केस दर्ज है। इतना हाईलाइट हुई थी, इतना कुछ उन्होंने देश विरोधी उन्होंने बातें कही, सब कुछ हुआ, इतना आंदोलन हुआ उनके चक्कर में, तो पूरा देश जो है हाय तौबा मच गई, लेकिन आज भी वो फ्रिंज एलिमेंट कहला दी गई है, लेकिन आज भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्यों उस पर कार्रवाई क्यों हुआ, क्या आपने जाकिर नाइक को नहीं सुना, अगर नूपुर पे कार्रवाई हो तो जाकिर पे भी कार्रवाई हो, और मुझे लग रहा है कि आपको जानकारी नहीं, पाकिस्तान के 50 मौलवियों ने वीडियो बना के डाला है जो नूपुर ने कहा है वो ऐतिहासिक रूप से सच है और सब तरह से सच है। दूसरी बात, नूपुर ने क्या कहा, पाकिस्तान तो हमारा ट्रेडिशनल एनिमी है, जब वहाँ के मौलवी कह रहे कि नूपुर ने ये कहा, वो दोषी वो मुसलमान है जो उसे उकसा रहा था, उसकी टिप्पणी जब वो हिंदू धर्म के खिलाफ शिवलिंग के खिलाफ टिप्पणी कर रहा था, नूपुर ने सिर्फ इतना कहा अगर मैं आपको ये कहूँगी तो आपको क्या बुरा नहीं लगेगा। उसके पक्ष में जाकिर नायक है, उसके पक्ष में पाकिस्तान के बहुत सारे मौलवी है, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी बड़े मौलाना ने राजनीति चमकाने के लिए आधे से ज्यादा लोग हैं साथ में, कितने मौलाना बैठ के डिबेट करते हैं। मैं आपसे पूछूं, जब आप मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान के मौलवी को कौन सी राजनीति चमक रही है भैया, यहाँ वो कौन सी भारत की पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है जो उसने नूपुर के समर्थन में वीडियो बनाया और उस मौलाना को गलत बताया। पाकिस्तान तो कट्टरवादी है, वो तो इस्लाम के आधार पे बटा है। नहीं मैं आप फिर आप ना कॉन्टेक्स्ट चेंज करें भाई, पाकिस्तान हमारा नहीं मैं वो नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उल्टा वो पाकिस्तान के है, उल्टा उन्होंने नूपुर को सपोर्ट किया है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा पाकिस्तान के विरोध में, सपोर्ट में है कई मुस्लिमों को, आप सपोर्ट में हैं, कई मुस्लिमों के आप सपोर्ट में नहीं। मीडिया ट्रायल की शिकार हुई है, बुलडोजर भी चल रहा है, बुलडोजर भी चल रहा है, बुलडोजर से न्याय हो रहा है, क्या न्याय प्रक्रिया बुलडोजर है, किसमें बुलडोजर चल जा रहे हैं, तो आधे से ज्यादा अभी जो मुस्लिम किस पे जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला, शाहीन बाग में बुलडोजर, मुस्लिमों के घरों पे बुलडोजर चला, क्या वो अवैध कब्जा था या नहीं था, क्या अवैध कब्जा। मैम जो अभी वहाँ पर एक लड़की थी जो बहुत फातिमा नाम से था, शायद नाम फातिमा था, तो उसके घर पे चला, तो वो तो कितने टाइम से बिजली का बिल और सब कुछ, पूरी जमीन जो है, पूरा जमीन का पैसा वैसा सब दिया गया था सरकार की तरफ से, बोला गया, फिर जो है उसके घर पे बुलडोजर चला दिया। तो आप एक विरोधाभासी बात करते, एक तरफ तो कहते हैं कि देश संविधान से चलना चाहिए और दूसरी तरफ कहते हैं कि अवैध कब्जों को पक्का कर देना चाहिए, किसी का भी अवैध, अवैध नहीं निकला है सर, अवैध है, क्यों अजीब बात है। सबसे पहले जागीरपुरी में जिसका टूटा हुआ स्वर्ण था, और बीजेपी का कार्यकर्ता था जिसका पहले दुकान टूटी,
वो तो बीजेपी अवैध बंगले बने हुए हैं, इतने सांसदों के घर बने हुए इधर उधर में, जो एक्स्ट्रा अवैध निकाला हुआ है उन्होंने स्ट्रक्चर, तो वो टूटना चाहिए। कहाँ टूट रहा है, उधर तो बुलडोजर चल ही नहीं रहा। फिर आज बात है, उसके लिए आपने प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन मैं आपसे ये तो नहीं कह रहा कि मैं उसके खिलाफ हूँ भैया, टूटना चाहिए। मेरा समाज में ऐसे हजार इशू है, हर किसी को लेके तो हम धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। हमारी प्रायोरिटी में 3-4 इशू उनको लेके हम लोग करते हैं, इतने हमें सामर्थ्य या एनर्जी भी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इससे सहमत हूँ, जहाँ भी कानून के खिलाफ काम हो रहा है वो दंडनीय है, चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो। मदरसों का भी सर्वे चल रहा है, अब तो पीएफआई और मदरसा एक साथ जोड़ दिया जा रहा है, बोला जा रहा है आतंकवाद। कौन कह रहे हैं पीएफआई मदरसा जोड़ दिया है, मदरसे के सर्वे तो ईडी ने करवाए। नहीं, सर्वे चलना एक अलग चीज है, सर्वे तो सरकार का काम है, बोला जा रहा है आतंकवाद। नहीं नहीं, जनसंख्या सेंसस नहीं होगा क्या अभी आके? जो सरकार का रूटीन काम है कि किसी चीज का सर्वे करना, आप मैं आपसे पूछूंगा, सरकार ने तो मंदिर भी अधिग्रहण किए हुए और सरकार बड़े बेहतरीन तरीके से मंदिरों को चला रही है, तो उनमें भी कुछ लोग कहने लगे सरकार ने मंदिर क्यों अधिग्रहण किए। तो सरकार का अपना एक काम है, सरकार के कुछ निजी कारण होते हैं, और सरकार कोई बायस नहीं है, किसी पार्टी की सरकार होकर भी बहुत बायस नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार संविधान के हिसाब से चलती है और संविधान को मानने के लिए संविधान की शपथ लेके करते हैं। तो वो है, अगर सरकार ऐसा काम नहीं करेगी, जनता के विरोध में काम करेगी, जनता उसे उखाड़ फेंकेगी, चाहे किसी की सरकार हो। पीएफआई और ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जो भटकाया नहीं जा रहा है देश को, इतनी महंगाई है, खाने पीने के लाले पड़े हुए, पेट्रोल महंगा हो रहा है। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, नेशनल सिक्योरिटी और गरीबी भुखमरी, इन दोनों में क्या रिलेशन है? मतलब आप गरीब हैं और यहाँ 12 खंभा पे बम फटा था, आप बस का वेट करें आप भी मारे जाते ना। वो बम ये पूछता कि आप गरीब हो, कुपोषित हो, वंचित हो, दलित हो, आप पे नहीं फटूंगा। देखिए, दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। राजनीतिक रूप से कुछ लोग बहुत अमीर है, आर्थिक रूप से कुछ लोग बहुत अमीर है, बड़े बड़े उद्योगपति अंबानी अडानी, बहुत सारे लोग हैं कि जिनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही, बैंकों ने बड़े बड़े लोन उनको दिए, वो एक अलग विषय है, वो भी गलत चीज़ है, उसको भी होना चाहिए, उसकी भी सरकार से मांग करनी चाहिए। लेकिन आप नेशनल सिक्योरिटी, आप लोग नहीं दिखते हैं ना प्रदर्शन। अजीब बात है, मैं तो आपके चैनल पर खुलेआम बोल रहा हूँ ना भैया, कि छोटे मझोले कारीबारी, दलित समाज के, वंचित समाज के लोग जो छोटे दस्तकार हैं, उनको स्किल्ड करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है ना, तो उनको लोन भी दे, मुद्रा जैसे और लोन दिए जाए उनको, बजाय बड़े उद्योगपतियों को 1000 करोड़ दे देते वो भाग जाते, जैसे पिछली सरकारों ने गलती की है। तो अभी अब की सरकारें ये गलतियाँ सुधारे और उनको दे। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी एक अलग विषय है और घरेलू मुद्दे एक अलग विषय है। नेशनल सिक्योरिटी में हम गरीब हो, अमीर हो, किसी जाति से हो, वर्ग से हो, हम लोगों को देश पहले है ना, वो तो सबसे बड़ा है। तो देश जितना आपका है उतना ही मेरा है। तो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यू को आप इनसे मर्ज नहीं करना चाहिए, इससे आतंकवादी तत्वों को फायदा मिलता है। एक बात बताइए, कार्यप्रणाली इसकी भी सेम है, कार्यप्रणाली आरएसएस की भी सेम है, पीएफआई की भी सेम है, मैं आपको उसमें भी ट्रेनिंग दी जा रही है, इसमें भी ट्रेनिंग सिखाई जा रही है। अजीब बात है, संदिग्ध क्यों है? कार्यप्रणाली पीएफआई की ये है कि वो सबको, सभी दलितों को, सभी वंचितों को कन्वर्ट करना चाहता है। कार्यप्रणाली आपने इंदौर की खबर पढ़ी, अखबार में छपी है, कार्यप्रणाली पीएफआई की ये है कि वो देश के खिलाफ आंदोलन चला रहे, देश को तोड़ने की बात करे। उन्होंने उसके लिए बकायदा फंड इकट्ठा किया, विदेशों से फंड आया उनके पास में, तो उसकी कार्यप्रणाली और फंड एक दो नहीं, 1000 करोड़ आया है, ठीक है। तो उसको, उसके पास ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई है, बिना किसी सबूत तो ईडी कार्रवाई नहीं करेगा। वो उससे पहले उन्होंने केरल के प्रोफेसर का हाथ काटा, उसमें वो कन्विक्ट हुए, उससे पहले उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट में या आरएसएस के लोगों की हत्याओं में पकड़े गए, अभी उन्होंने टारगेट किलिंग की कोशिश की, अभी का परसों ही उत्तर प्रदेश से उनका आदमी पकड़ा गया है कि जिन्होंने प्लानिंग की थी दिवाली तक बम धमाका करना है। तो वो ये नहीं देखने वाला था कि कौन किस विचारधारा का है, किस विचारधारा का नहीं। लेकिन आरएसएस के ही एक जो अंदर के नेता थे, उन्होंने खुद खुलासा किया है कि आतंकवाद को बढ़ावा देता है और आतंकवाद कहाँ कहाँ ब्लास्ट किए हैं, वो पूरा वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो आपने देखा? हाँ, तो उस पर कानूनी कार्रवाई करो आप, मतलब आप उसके स्वतंत्र है ना, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो भी देश विरोधी काम कर रहा है। आरएसएस हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है, फिर ये मेरे लिए हिसाब से, मेरे लिए इसलिए सवाल नहीं है क्योंकि मैं मानता हूँ भाई भारत का संविधान लागू है, उसके हिसाब से सरकार चल रही है, सब भारत के देशवासी तो सभी एक है ना। नहीं नहीं, फिर आप, आपकी बनने की बात, डबल स्टैंडर्ड हुई ना अभी, तो आप कह रहे, मैं आपको बता रहा हूँ कि पीएफआई 2047 तक भारत को मुसलमान देश बनाने की कोशिश कर रहा है, सबको कन्वर्ट करके जबरदस्ती ना, प्यार से और मार के, ठीक है, उसको तो आप कह नहीं रहे, मैं उसको राम नाम से जो लिंचिंग कर दी जा रही है, कहाँ इस्लामिक कंट्री बना रहे हैं। तो फिर अजीब बात है, मैं आपसे तो कह रहा हूँ कि जो भी ऐसा हो रहा है ना, ये गलत हो रहा है, ये मेरा विषय ही नहीं। पीएफआई देश के लिए थ्रेट है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, इसलिए सरकार ने उस पर कानून सम्मत कार्रवाई की है। सरकार किसी जाति की नहीं, किसी धर्म की नहीं, और सरकार संविधान के हिसाब से चलने वाली है, और वो देश के ऊपर, वो किसी जाति के ऊपर खतरा नहीं है,
और किसी रीजन के ऊपर खतरा नहीं, वो सबके ऊपर खतरा है, वो आरएसएस वालों के लिए भी खतरा है। पीएफआई बम फोड़ेगा तो पता थोड़ी कि मुसलमान नहीं मरेगा उसमें, मुसलमान भी मरेगा। तो क्या नाम है आपका? कल्पना सिंह। तो कल्पना जी, अभी जैसे इन्होंने बताया कि पीएफआई पे कार्रवाई होनी चाहिए और आरएसएस, बात तो आरएसएस की भी उठ रही है क्योंकि वो भी इस तरीके की ट्रेनिंग देता है और जो ये संगठन है ये भी इस तरीके की ट्रेनिंग देता है। ऐसा है कि देखिए, ट्रेनिंग में फ़र्क है। आरएसएस का जो भी है, कहीं भी कोई अवैध गतिविधियां नहीं पाई गई है, वो देश सेवा के लिए है। और पीएफआई में कई गतिविधियां ऐसी देखी गई है कि जैसे कि राष्ट्र के हित के खिलाफ पाई गई है। तो इन दोनों को हम तुलना नहीं कर सकते, आरएसएस और पीएफआई को तुलना क्यों नहीं कर सकते मैम? बिल्कुल, छोटे छोटे बच्चों को कट्टर बनाया जा रहा है आरएसएस में, तो ये तुलना नहीं? नहीं, छोटे छोटे बच्चों को कोई कट्टर नहीं बनाया जा रहा है, ये आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन है। कोई इस तरह ट्रेनिंग की पूरी बकायदा नहीं, आप आरएसएस के पीछे ही क्यों पड़ी है? पीएफआई जो बैन किया है, एनआई ने सारा उसका तो बैन किया गया है, कुछ किया गया है तो कुछ ना कुछ तो पाया गया है ना, सब लोग देख भी रहे हैं। तो पीएफआई को इसलिए बैन किया गया, वो भी 5 साल के लिए किया गया है। और आरएसएस में यदि कुछ ऐसी गतिविधियां पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए, एनआईए कार्रवाई करे, सीधी सी बात। लेकिन 5 साल पहले जब आरएसएस पे हुआ था ये सब संदिग्ध भी बताया गया था, लेकिन उसके बाद भी उसको ऐसे संरक्षण मिल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ इस तरह का आपको कहां मिला, मतलब कहां? डाटा देखिए ना, मोहन भागवत लिखते हैं खुद उस पे, देखिए आप, हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी बात हो रही है, फोटो डालते हैं। आप पीएफआई के समर्थन में है क्या? मैं समर्थन में नहीं हूँ, मैं दोनों तरफ की बात कर रही हूँ। दोनों तरफ की आप बात नहीं कर रहे ना, पीएफआई का, एनआईए, ऐसे संगठन जैसे आरएसएस है, चाहे वो पीएफआई है, तो दोनों ही बैन नहीं होने चाहिए? नहीं, दोनों बैन नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आरएसएस जो है समाज सेवा के लिए है, दोनों बैन नहीं होने चाहिए। वो समाज सेवा कर रहा है, बिल्कुल समाज सेवा, इतने सारे जो कश्मीर, अच्छा आप आरएसएस वाले पिटाई करते हैं, जो हिंदू शोभा यात्रा निकालते हैं मस्जिद के सामने से, उनपे जो पथराव होता है उसके लिए क्यों नहीं? नहीं, हर जगह मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हर जगह हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं आप लोग? सिर्फ आरएसएस के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मुझे तो लग रहा है आप लोग पीएफआई के समर्थन है, मुझे ऐसे लग रहा है। भाई कुछ ना कुछ तो बात रही होगी कि जो सपोर्ट किया गया है उसको बैन करने में, उनके साथ भी जो अत्याचार हो रहा है। जो मंदिर तोड़ा है, एक मंदिर का नाम बताएं। देखिए, टोरंटो में ही, विश्व में ही नाम लीजिए, टोरंटो में ही जो ये श्रीमद् भागवत पार्क है वहाँ तोड़ा गया है, उसका नाम चिन्ह मिटा दिया गया है। अब मैं थोड़ा देर हो रहा है, मैं चल रही हूँ थोड़ा सा। मैम थोड़ा सा आप सवाल कीजिए, थोड़ा सा मैं चल रही हूँ। नहीं, बच नहीं रही हूँ, बच नहीं रही हूँ, सॉरी। थोड़ा ज्यादा उसके अगर ज्यादा गहराई से खोदा, आपने मंदिर भी नहीं बताया कि कौन सा? नहीं, मंदिर पता ही है, सबको पता है, टोरंटो ब्रिटेन कनाडा सत्यनारायण मंदिर के सामने वहाँ पे तोड़ा गया है मंदिरों को, कई जगह तोड़े गए हैं। ये पिछले साल नवरात्र में बांग्ला कॉरिडोर बन रहा था तो लाखों शिवलिंग टूटे उस पर, आप लोगों ने? थोड़ा जल्दी में हूँ बस, धन्यवाद। शिवलिंग तोड़े गए थे काफी बाद में, थोड़ा जल्दी। चलिए, तो ये देखिए कि ये जो है पीएफआई, जो कि अब बैन कर दिया गया है, बैन लगा दिया गया है उस पर 5 साल का, और लगातार पीएफआई के लिए, बंद करने के लिए मांगे उठ रही है। ये संगठन थे, हिंदू संगठन था जो इसको बंद करने की मांग करता है, लेकिन आरएसएस जैसे संगठन भी सक्रिय हैं, जो लगातार इस तरीके की ट्रेनिंग देते हैं, जो लगातार छोटे से छोटे बच्चे को कट्टर बनाते हैं, कट्टर हिंदूवादी बनाते हैं। हिंदू संगठन इस तरीके के चल रहे हैं, वहाँ बजरंग दल ही देख लीजिए, चाहे आप वीएचपी जो है वो संगठन देख लीजिए, ये इस तरीके के संगठन हैं जो बिना किसी पुलिस की कार्रवाई के सीधा कार्रवाई करने पहुंच जाते हैं। अभी ताज़ा मामला ही, आप दूर मत जाइए, ताज़ा मामला ही अहमदाबाद का है, जिसमें गरबा खेलने वाले दो मुस्लिम युवक अगर अंदर एंट्री कर जाते हैं तो उनकी बुरी तरीके से पिटाई कर दी जाती है। बजरंग दल वाले वहां पहुंचते हैं, पुलिस को कॉल की जाती है, लेकिन बजरंग दल और वीएचपी पहुंचता है। तो आप ये सोचिए कि कानून प्रक्रिया और कानून किसके हाथों में है, और किसके संरक्षण, किसका संरक्षण उन्हें प्राप्त है, और कौन लोग चला रहे हैं। आप ये देखिए किस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कि ये संगठन वहाँ पर पिटाई और मार पिटाई करने पहुँच जाते, क्या इनको किसी तरीके का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए ये लोग पिटाई करने पहुँच जाते हैं, श्रीराम का नारा लगा के लिंचिंग कर दी जाती है। तो ये इस तरीके के संगठन जो चलाए जा रहे हैं, आरएसएस का बताया जा रहा है कि वो समाज सेवा कर रहा है, तो क्या वो इसी तरीके की समाज सेवा कर रहा है? क्या उस पर भी किसी तरीके की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या उसकी जाँच नहीं होनी चाहिए? इतने जो है, इतने सबूत मिले
मिले, उसके नेता खुद खुलासा कर रहे हैं कि आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है आरएसएस द्वारा, तो लेकिन वो वीडियो जो है छुपा दी जाती हैं, वो खबरें जो है छुपा दी जाती हैं। तो आप ये देखिए कि पूरा मीडिया, पूरा कानून व्यवस्था किस तरीके से काम कर रहा है। इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, जंतर मंतर, दिल्ली।